हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, बात करेंगे सेट नंबर 29 की, जो है 26 मई 2019 को पूछे गए क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो गाइज, 28 सेट आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपकी जो भी रेलवे एग्जाम्स है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज साबित होगी। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे सेट नंबर 29 का। पहला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, विच विटामिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। देखिएगा, कॉमन कोल्ड हो या सामान्य जुकाम हो, या आप कहे तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि जो कोरोना चल रहा है, तो ये कहते हैं कि उससे बचाव करने के लिए अपने को क्या क्या इलाज करने चाहिए, जैसे कि गार्गलिंग करनी चाहिए, या मतलब इस तरीके का सेवन करना चाहिए लाइक नींबू वगैरह, ताकि अपन ने को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके, मतलब पकड़ने से पहले ही। इसी प्रकार से कॉमन कोल्ड के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गाइज विटामिन सी का यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन सी किस किस के अंदर पाया जाता है, गाइज विटामिन सी पाया जाता है जैसे कि खट्टे फल हो गए, जैसे कि लेमन हो गया, नींबू हो गया, संतरे हो गए, जो भी खट्टे फल फ्रूट है उनके अंदर पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोला जाता है, गाइज इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल बोला जाता है, थायमिन बोला जाता है विटामिन बी को, कैल्सीफेरॉल बोला जाता है विटामिन डी को। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे गाइज, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इसमें से आपको बताना कि नेक्स्ट टर्म्स क्या आने वाली हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया गाइज, यहाँ पे 5 का भाग दिया गया है, और यहाँ से देखिए 5 का भाग दे दिया, फिर यहाँ पे क्या किया, 2 का भाग दिया है, ठीक है, फिर से 5 का भाग दिया है, यहाँ पे फिर से 2 का भाग दिया है, ठीक है। तो 15.1 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 15 में आप पहले 2 का भाग दे लीजिएगा तो 7.5 आ जाएगा, 0.1 में आप 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, यानी 0.05 आ जाएगा, तो 0.05, तो 7.55 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले 5 का भाग दिया, फिर 2 का, फिर से 5 का, फिर से 2 का, ये सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल इतना है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। देखिएगा गाइज, आवर्तकाल यानी टी, आवर्तकाल किसको बोलते हैं, टी को बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब गाइज एक सेकंड के अंदर वो कितना अप डाउन होता है उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक के अपन तरंग दे रहे बोल देते हैं इसको, आवर्तकाल का मतलब हो गया कितना समय लिया उसने। तो यहाँ पे टी अपने को दे रखा है, फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी है। इनका जो रिलेशन होता है गाइज वो इस तरीके से होता है, टी निकालना है तो 1/f कर दीजिएगा, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/0.02 कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 का भाग है इसमें 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है गाइज वो होती है हर्ट्ज, आवर्तकाल की जो यूनिट होती है वो होती है गाइज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अनुपस्थित संख्या बताइएगा, इसके अंदर क्या मिस है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिएगा गाइज, यहाँ पे 2 का भाग दिया गया है, यहाँ पे 8 जोड़ दिया है, फिर से 2 का भाग दिया है, फिर से 8 जोड़ेंगे तो 228 हो जाएगा, 228 में फिर से अपन 2 का भाग देंगे, 114 आ गया। तो रिलेशन क्या है, 2 का भाग प्लस 8, 2 का भाग प्लस 8, 220 प्लस 8 यानी 228 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज देखिएगा, किसी प्रकार से भी सीक्वेंस आ सकती है एग्जाम के अंदर, कोई भी सीरीज आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नया क्वेश्चन आया है इस बार। देखिएगा, एक पार्टी में 1/5 मेहमान केवल शीतल पे लेते हैं। देखिए गाइज, मैं मान लेता हूँ कि टोटल 5 कैंडिडेट है, पार्टी के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट है, 5, उसमें से शीतल पे कितने लेते हैं, 1/5, 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, एक कैंडिडेट लेते हैं शीतल पे, कितने कैंडिडेट बच गए गाइज, 4 बच गए। शेष में से आधे मेहमानों ने कॉफ़ी लेना पसंद किया, 4 बच के शेष में से आधे यानी 2 कैंडिडेट क्या लेते हैं गाइज, कॉपी लेते हैं, 2 कैंडिडेट कॉपी लेते हैं, 2 तिहाई ने चाय लेना पसंद किया। अब कितने बच गए गाइज, 2 बच गए, और 2 में से 2 तिहाई का मतलब 2 इंटू 2 बटा 3, तो 2/3 यानी 4/3 कैंडिडेट है वो क्या लेते हैं, चाय लेते हैं, ठीक है। कितने बच गए, यानी 2/3 ने ये ली तो 1/3 बच गए, 1/3 यानी 2 का 1/3 यानी 2/3 बच गए, ठीक है। यदि 12 मेहमानों ने कॉफ़ी और चाय दोनों का विकल्प लिया, अब देखिए गाइज, ये जो बच गए इन्होंने कॉफ़ी और चाय दोनों का विकल्प लिया, कॉफ़ी प्लस चाय, ठीक है, और ये कितने के बराबर है गाइज, ये 2/3 बराबर है 12 के बराबर है।
दोनों का विकल्प चुना, पार्टी में कुल कितने मेहमान थे? 2/3 कॉफी और चाय ले रहे हैं, 2/3 बराबर 12 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज? 6 6 18। टोटल मेहमान कितने थे? टोटल मेहमान थे 5, तो ए की वैल्यू 18 है, तो 5 की वैल्यू 90। 90 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझिएगा, टोटल कैंडिडेट थे 5, 5 में से 1/5 ने ले लिया शीतल पेय, तो बच गए कितने? 4 बच गए, 4 में से आधे यानी 2 ने ले लिया कॉफी, बच गए 2। 2 का गाइज 2/3 हिस्सा ले रहे हैं चाय, 2/3 हिस्सा चाय ले रहे हैं यानी 4/3, तो 2 में से 4/3 घटा लीजिएगा आप, तो आपके पास में आएगा 2/3, ठीक है। और 2/3 कैंडिडेट ले रहे हैं चाय और कॉफ़ी। अब 2/3 इक्वल टू आपको दे रखा है 12 के इक्वल, 2/3 इक्वल टू 12 हो गया, तो ए की वैल्यू गाइज यहाँ से आएगी 18। टोटल मेहमान 5 थे, तो यहाँ से 5 से गुणा कर दीजिएगा 18, 18 5 90, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रिशियन को रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? देखिएगा, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए रबड़ का यूज किया जाता है, ठीक है, बिजली के झटके से बचने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, बिकॉज जो रबड़ होता है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, और इसके कारण होने वाले प्रभाव, हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जैसे कि कोल हो गया, कोयला हो गया, वो किस कैटेगरी के अंदर रहता है? जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी के अंदर रहता है। कोयले का दहन करते हैं तो अपने को क्या मिलती है? CO2 मिलती है। यदि वातावरण के अंदर CO2 की वृद्धि होती है, CO2 किसके अंदर आता है? ये ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके कारण होने वाले प्रभाव का मतलब है ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो गाइज ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का मतलब है धरातल का, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। दो वाहनों की चाल का अनुपात दे रखा है। यदि दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहले वाहन की चाल ज्ञात कीजिएगा। देखिए गाइज, दूसरा वाहन की चाल कितनी हो जाएगी? दूसरे वाहन की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, 400/5 यानी 80 KMPH, ठीक है। दूसरे वाहन की चाल होगी 80, दूसरे वाहन का अनुपात है 8, यानी 8 बराबर गाइज हो गया 80, एक की वैल्यू हो जाएगी 10, एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। तो पहले वाहन की चाल कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। अब देखिए गाइज, सी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया? DEF यानी 3+3 जोड़ रहे हो आप, यहाँ पे ए में +3 जोड़ रहे हो आप, यानी BCDE यानी 3 का गैप है गाइज। कुल मिला के आप 4 टर्म्स जोड़ रहे हो, 3 का तो गैप आ रहा है, चौथी टर्म्स आपके यहाँ पे आंसर आ रही है। यहाँ पे 3 का गैप कर दीजिएगा, QRST आ जाएगा, इसके बाद में FGHI आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो गाइज एक महीने में कितनी बार चांद दिखाई देता है? आधा 2 बार दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कथन और निष्कर्ष देखिएगा गाइज, कथन और निष्कर्ष देखिएगा। कथन क्या कहते हैं? कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, ये मूर्ख है और ये बुद्धिमान है, कुछ मूर्ख बुद्धिमान हो गए, कुछ बच्चे बुद्धिमान है और ये बुद्धिमान है, ये बच्चे हो गए, कुछ बच्चे बुद्धिमान है, कुछ मूर्ख बच्चे हैं, तो मूर्ख और बच्चों का कोई रिलेशन नहीं है। सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, सभी बच्चे बुद्धिमान हैं कि नहीं? देखिएगा, पहला देखिएगा, कुछ मूर्ख बच्चे हैं, मूर्ख और बच्चे एक दूर दूर तक है, नॉट अलाउड। सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, नहीं, ओनली कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी 9 निष्कर्ष 1 निकलता है, 9 निष्कर्ष 2 निकलता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर ए, 9 निष्कर्ष 1 9 निष्कर्ष 2। नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 66 kg है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? गाइज क्वेश्चन देखिएगा, अगर अपन बात करें, एक तो होता है गाइज द्रव्यमान होता है, एक होता है भार होता है। द्रव्यमान को अपन मास बोलते हैं, भार को अपन क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ओके गाइज, इसको बोलते हैं अपन मास इंटू ग्रेविटी, और ये ओनली ये होता है गाइज। यहाँ पे केजी में दे रखा है, इसका मतलब अपने को मास दे रखा है, मास चेंज नहीं होता क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज अगर भार दे रखा है अपने को, न्यूटन हो जाता है वो चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे 1/6 होती है। तो यदि गाइज यहाँ पे केजी है, तो ये तो केजी तो मास में होता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 66 न्यूटन होना चाहिए और ये 11 न्यूटन होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि द्रव्यमान तो फिक्स रहता है, भार बदलता है, भार होता है मास इनटू ग्रेविटी,
ठीक है, और जो बाहर की यूनिट होती है गाइज वो होती है न्यूटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है गाइज, अंडर रूट वाई निकालना है। तो गाइज ये हो गया 3 + 2 अंडर रूट 2, 3 को मैं क्या रख दूँ, 2 + 1 + 2 अंडर रूट 2 रख दूँ। इसको गाइज मैं इस तरीके से लिख दूँ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2। इसको चाहे गाइज इस तरीके से भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा चाहे 2 अंडर रूट 2। अब देखिए गाइज ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। गाइज वाई की वैल्यू ये आ गई, तो अंडर रूट वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई हो जाएगा मेरे पास, मैं इसका अंडर रूट लूँगा, अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है। ऑप्शन है यूपी, बंगाल, राजस्थान, गुजरात। देखिए गाइज साबरमती नदी है, यहाँ से आपसे ओरिजिन पूछा गया है कहाँ से निकलती है, तो गाइज ये निकलती है अरावली पर्वतमाला से, और अरावली जो सीरीज है वो निकलती है वहाँ से, कहाँ से भी उसमें भी कहाँ से भी उसमें निकलती है गाइज उदयपुर से, उदयपुर राजस्थान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ से निकलती है, उदयपुर राजस्थान से निकलती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे फ्लो होती है, सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर होती है। अप्रोक्स इसकी लंबाई पूछे तो 371 किलोमीटर है, ठीक है। और गाइज ये कहाँ पे गिरती है, तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी, अरब सागर के अंदर खंबात की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है। और साबरमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो अपना आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो गाइज यहाँ पे कहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान उदयपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गोलीय दर्पण के पी से मुख्य फोकस एफ की दूरी को क्या कहा जाता है। गाइज गोलीय दर्पण होता है, इसका जो पी होता है, ठीक है, अगर अपन बात करें कोई भी हो उसके पी से लेके एफ तक की दूरी को आप, एफ हो गया ये सी हो गया, पी और एफ के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोकल दूरी, फोकल लेंथ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ये वक्रता केंद्र हो गया आपका सी, इसको हम रेडियस बोल देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी आयत की लंबाई को आधा, देखिए गाइज किसी आयत की लंबाई को आधा कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है। गाइज पहले लंबाई मान लेते हैं हम 2x मान लेते हैं, और पहले चौड़ाई अपन y मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था 2xy। अब बाद में क्या आता है, लंबाई को आधा कर दिया, बाद में लंबाई होगी x, ठीक है, और चौड़ाई होगी गाइज 3 गुना 3y। अब क्षेत्रफल हो गया 3xy, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन कितना है। गाइज पहले 2xy था, अब 3xy हो गया, चेंज कितना होगा, xy बटे पहले कितना था, पहले था 2xy, परसेंटेज में पूछा 100, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। 50% बढ़ेगा क्योंकि 2xy से 3xy हो गया, 50% बढ़ेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा गाइज यहाँ पे डी, ठीक है। मैंने 2x क्यों लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी बने, इसलिए मैंने पहले 2x मान लिया लंबाई को, और चौड़ाई को मान लिया मैंने y, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। x मानता तो मैं 1/2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसको छोड़ते हैं, काफ़ी लंबा जाएगा, यहाँ पे बनाने के लिए भी जगह नहीं है, आप बना के देख सकते हो इसको चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्न में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का मेजबान देश था। गाइज 2018 का मेजबान देश था इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ पे हुआ था ये, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है। 2018 2023 कहाँ होगा, वो भी इंडिया के अंदर होएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने सॉपी हॉकी विश्व कप की बात हो रही है, इसमें गाइज विनर कौन था, विनर की बात करें तो विनर था बेल्जियम। क्वेश्चन आ सकता है कि विनर कौन था, विनर था बेल्जियम। रनरअप कौन था, रनरअप था नीदरलैंड, ध्यान में रखिएगा। तीसरे नंबर पे कौन था, तीसरे नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से विनर और रनरअप का आपको ध्यान रखना है, पुरुष विश्व हॉकी कप 2018 बेल्जियम, नीदरलैंड और होस्ट कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, देखिए विकल्प में से असंगत को चुनना है। देखिए गाइज 15 का भाग इसमें भी जा रहा है, 15 का भाग इसमें भी जा रहा है, 15 का इसमें भी जा रहा है, 15 का इसमें नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है। देखिए गाइज विश्व का सेकंड लॉन्गेस्ट, एशिया का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, तो आंसर हो जाएगा गाइज चेन्नई के अंदर स्थित है मरीन बीच, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड का सेकंड, इंडिया का फर्स्ट, एशिया का फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तट पर स्थित है, तो ये स्थित है कोरोमंडल तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, सीरीज को पूरा करना है, तो ये सीरीज तो गाइस सिंपल है, आई थिंक इजीली हो जाएगी। देखिएगा पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी,
HIJKL, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा CDEFG OLC ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो देखिएगा यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो नेक्स्ट आने वाली टर्म्स में क्या होगी, 1 डिजिट होगी। 1 डिजिट क्या बनेगी, देखिएगा यहाँ पे 8 है, 8 में से दोगे 6, 6 में से दोगे 4, 4 में से दोगे 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, नेक्स्ट टर्म्स आएगी 1 डिजिट की, 1 डिजिट यानी ये ऑप्शन गलत हो गए। 8 है, 8 में से दोगे 6, 6 में से दोगे 4, 4 में से दोगे 2, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को बोला जाता है गाइज, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, या इसका दूसरा नाम भी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। धावन सोडा होता है, धावन सोडा का फॉर्मूला होता है गाइज Na2CO3, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, जिसको खाने में काम में लिया जाता है। बाकी यहाँ पे और देर का आपको एक एप्सम साल्ट यानी सिंधा नमक देर का है, इसका फॉर्मूला होता है गाइज MgSO4.7H2O, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है गाइज MgOH का होल ट्वाइस। बेकिंग सोडा का हो गया NaHCO3, साधारण नमक का हो गया NaCl, तो सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इसको आप कर लोगे, सिंपल है, कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बताइएगा। देखिए गाइज, एक बच्चे की अक्ष मान लेता हूँ, एक ही अक्ष प्लस 4 कर देता हूँ, एक ही अक्ष माइनस 4 कर देता हूँ, एक ही अक्ष प्लस 8 कर देता हूँ, एक ही अक्ष माइनस 8 कर देता हूँ। गाइज आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अक्ष अक्ष प्लस 4, अक्ष प्लस 8, अक्ष प्लस 12, अक्ष प्लस 16, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो देखिए गाइज, यहाँ पे सबका 4-4 का गैप है, देखिएगा यहाँ पे 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का, ठीक है। अब देखिएगा, 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। अब मैं इनका सबका जोड़ करूँ तो देखिएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा मेरा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अक्स बराबर 80, तो अक्स बराबर 16 आ गया। सबसे बड़े बच्चे की आयु, सबसे बड़ा है अक्स प्लस 8, यानी अक्स में 8 जोड़ दूँ, 16 प्लस 8 यानी 24 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एक सेंटर पॉइंट ले लीजिएगा और उससे इधर और इधर इस तरीके से अरेंजमेंट करके देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रीक अक्ष तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। तो गाइज तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा दर्शाई जाती है, लैम्ब्डा के द्वारा दर्शाई जाती है। इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रम होती है, एक एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है 10^-10 मीटर, ध्यान में रखना। फर्मी की वैल्यू होती है 10^-15, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैम्ब्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10a+b = 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिएगा 10a+b, इसका फॉर्मूला क्या बनता है गाइज, 10a+10b अपॉन 1 - 10a × 10b = 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके देख लीजिएगा, यानी 10a+10b बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ गठबंधन किए हैं। तो इसने किया गाइज बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ में। गाइज ये एक गवर्नमेंट बैंक है और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर, ध्यान में रखिएगा। इसकी शुरुआत, इसका जो फाउंडेशन है वह 1 सितंबर 2018, और इंडियन ओन्ड है यानी भारत द्वारा संचालित बैंक है ये, और इसके गाइज MD और CEO सुरेश सेठी, ध्यान में रखना आपको नाम सुरेश सेठी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, नासा की फुल फॉर्म क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। गाइज नासा से पहले इसका नाम हुआ करता था नाका, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन पूछे नासा का, गाइज नासा का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 29 जुलाई 1958, ठीक है। और ये 1915 से लेके 58 तक, ये 58 है, 58 तक इसका नाम हुआ करता था नाका, NACA।
और 29 जुलाई 1958 से इसका नाम हो गया नासा, नासा इन नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी के अंदर किसका हेडक्वार्टर हो रहा है, वर्ल्ड बैंक हो गई और IMF हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहते हैं कि अपने को 8 और 5 दोनों से विभाजित किया जाना है। इस संख्या को 8 और 5 दोनों से विभाजित करना है, इनमें से कौन सी संख्या युग्म संख्या के अंतिम दो अंक ए और बी नहीं हो सकते हैं। देखिएगा जी ऑप्शन, देखिएगा इसके यहाँ पे, यानी ये संख्या है इसमें 8 का भाग देना है और 5 का भी जाता है। अब बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता। गाइज दो लास्ट 3 डिजिट 8 का भाग दे रहे, इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट देखिएगा आप, 2 ए और बी, इसमें आपको 8 का भाग देना है, 2 ए बी में आपको 5 का भाग भी देना है, दोनों का भाग जाना है। अब कौन सी संख्या नहीं हो सकती, अब देखिए गाइज लास्ट डिजिट 0, अच्छा इसको कुछ ना मिस्टेक ही है क्या इस क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ते हैं। आंसर की द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द इवेलेशन, एंड कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 रक्त प्रकार का उत्तक का एक उदाहरण है। रक्त किस प्रकार का टिश्यू है, गाइज रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान में रखना कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी। ब्लड की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाले। सब्जियां एक दुर्लभ पदार्थ होती जा रही है, खतरे में कुछ कावा है क्या ऐसा, नहीं कावा तो ये गलत है। लोग सब्जियां नहीं खा सकते, इसके बाद इसके अंदर खाने की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, यानी दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ का एलसीएम बताइएगा, एलसीएम कैसे निकलोगे गाइज, 2/3 और 6/7 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसका निकालोगे आप, 2 और 6 का, यानी ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है और नीचे एचसीएफ निकालना है आपको 3 और 7 का। तो गाइज 2 और 6 का एलसीएम होता है 6, 3 और 7 का कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है, तो 6/1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एलसीएम निकालना है तो न्यूमिनेटर यानी अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो गाइज शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, फीमर कहाँ पाई जाती है, जांग के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज ये जो ह्यूमरस है प्रगंडी का, ये कहाँ पे पाई जाती है, जो कंधे का जॉइंट होता है उसके अंदर पाई जाती है, तो कंधे की हड्डी जॉइंट के अंदर पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। कमेंट करके बताइएगा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है गाइज। और गाइज यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 फरवरी 2020 में किन किन तिथियों को रविवार होगा। 1 फरवरी 2020 को देखते हैं पहले तो क्या होता है। गाइज 2020 है, इसको मैं 2000 कर दूं प्लस मैं 20 कर दूं, 2000 है ये लीप ईयर है, इसको मैं यानी यहाँ तक जीरो आएगा, 1600 हो गए, 1600 में 400 जोड़ दिए, 0 डिज यानी बिल्कुल जीरो कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 1600 400 800 1200 1600 2000 यहाँ पे जीरो कर दीजिएगा। अब गाइज ये जो 20 वर्ष है, 1 फरवरी 20 है, तो यहाँ पे मेरे को ओनली 19 वर्ष लेने पड़ेंगे। 19 वर्ष में देखिए गाइज 4 8 12 16 यानी 4 तो इसके अंदर हो गए लीप ईयर, 4 तो हो गए लीप ईयर और बाकी 15 हो गए सिंपल ईयर, 15 4 19 हो गए, यानी मैं निकाल रहा हूँ गाइज 1 तारीख का निकाल रहा हूँ पहले। अब मेरे को 1 फरवरी का निकालना है, तो 31 जनवरी के दिन भी लेने हैं, यानी मैं 1 जनवरी तक का निकाल रहा हूँ पहले। अब गाइज 19 ईयर हो गए, ठीक है, 2020 को छोड़ रहा हूँ, यानी ऊपर वाली 20 है, 20 में से मैं ओनली 19 ईयर का ले रहा हूँ, क्योंकि 20 साल तो कंप्लीट नहीं है ना, वो ओनली फरवरी तक है, तो 19 में से 4 तो हो गए लीप ईयर, लीप ईयर कौन से हो गए, 34 साल 38 साल 22 साल 16 साल। अब गाइज एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, तो 4 लीप ईयर में कितने और डेज हो जाएंगे, 8, और एक सिंपल ईयर में 1 और डेज होता है, तो 15 डेज में हो गए 15 18 23 23 में कितने और डेज हो गए, 7 का भाग दिया मैंने, 2 डेज, ठीक है। अब गाइज 2 तो ये हो गए, ठीक है। अब 31 जनवरी, मैं 31 जनवरी का निकाल रहा हूँ, 31 जनवरी का ले रहा हूँ पहले, 31 जनवरी यानी 31 दिन ये हो गए, 31 में मैं 7 का भाग दूँ तो 3 शेष बचेंगे, यानी 31 जनवरी तक हुए 3 ऑर्डर डेज, तो टोटल ऑर्डर डेज हो गए मेरे पास में 2 प्लस 3 यानी 5 ऑर्डर डेज हो गए। 5 ऑर्डर डेज का मतलब संडे से जोड़िएगा, मंडे ट्यूजडे वेंडेजे थर्सडे और फ्राइडे, यानी 5 ऑर्डर डेज यानी 31 जनवरी को हो गया गाइज शुक्रवार, 31 जनवरी को शुक्रवार, 1 फरवरी को शनिवार, 2 फरवरी को रविवार, तो 2 फरवरी को रविवार, तो 2 9 16 23 को आएगा रविवार,
ओके गाइज, तो गाइज वीडियो समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन, तो आप रिपीट करके देख सकते हो। पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से आगे अपन बढ़ाते रहेंगे सीरीज़ को।